दोस्तों मेरा नाम है राम वर्मा और स्वागत है आपका सीजी एजुकेशन न्यूज यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए, क्योंकि यहां पर आपको इसी तरह की लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो कि शिक्षा से जुड़ी हुई है, छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई है, वो लगातार आपको इसी चैनल पर मिलती रहे। इस वीडियो में आपको यहाँ पर दुर्ग यूनिवर्सिटी से बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है नोटिफिकेशन जारी है और इसमें रिजल्ट जारी हुए, बहुत सारे रिजल्ट है, 8 प्रकार के रिजल्ट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। हम लोग बात करेंगे इस रिजल्ट के बारे में। तो सबसे पहले जो है ये जो रिजल्ट है वो सेमिस्टर परीक्षा जो कि अभी हाल में दिसंबर जनवरी में हुए थे वो रिजल्ट आए हैं यहाँ पर। तो MSc केमिस्ट्री के 3rd सेमेस्टर का रिजल्ट 88.06% है, 469 में से 413 पास हुए हैं, 5 फेल हुए हैं। एटी-केटी आने वालों की संख्या काफ़ी है, 50 है। अब्सेंट एक था और एक जो है नकल करते हुए पकड़ा गया है। उसके बाद MSc जूलॉजी 1st सेमेस्टर का 317 में से 238 पास हुए हैं और 3 जो है यहाँ पर फेल हुए हैं, 75 ATKT आए हैं, 2 अब्सेंट थे, 1 यहाँ पर जो है UFM यानी कि नकल प्रकरण के दौरान पकड़ा गया, तो 75.08% है। MSc जूलॉजी के 3rd सेमेस्टर का रिजल्ट 87.31 है, 268 में से 234 पास है और 3 फेल हुए हैं, 31 ATKT आए हैं, 1 अब्सेंट था। ATKT आने वालों की जो संख्या है काफ़ी है। MSc बॉटनी के 1st सेमेस्टर का रिजल्ट 88.20 है, 483 में से 426 पास हुए हैं, 9 फेल हुए हैं, 46 ATKT आए हैं, 1 को नकल करते हुए 2 को नकल करते हुए पकड़ा गया है। MSc होम साइंस 3rd सेमेस्टर HD का रिजल्ट यहाँ पर 89% है, 18 में से 16 पास हुए हैं, 2 ATKT आए हैं। MSc होम साइंस का यहाँ पर HD 1st सेमेस्टर का रिजल्ट 75% है, सिर्फ 4 स्टूडेंट थे, 4 में से 3 पास हुए हैं और 1 ATKT आया है। MSc होम साइंस TNC 1st सेमेस्टर का रिजल्ट 100% है, 2 में से दोनों स्टूडेंट पास हो चुके हैं। BBA 5th सेमेस्टर का रिजल्ट 77.43 है, 412 में से 319 पास हुए हैं, 39 अब्सेंट थे, 47 ATKT आया है और 7 को नकल करते हुए पकड़ा गया। तो यहाँ पर जो है UFM का भी ग्राफ यहाँ पर एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है और जो है ATKT भी काफ़ी आ रहे हैं। ये सब ऑफलाइन एग्ज़ाम में अब देखने को मिल रहा है, ऑनलाइन के बाद। ऑनलाइन में तो रिजल्ट यहाँ पर काफ़ी अच्छे रिजल्ट आते थे, चाहे स्टूडेंट की संख्या वहाँ पर ज़्यादा भी रहती थी उसके बाद भी रिजल्ट जो है 90% से ऊपर ही रहता था, लेकिन आप देख सकते हैं किस प्रकार से रिजल्ट है 70 अबाव 90 तक जा नहीं रहे रिजल्ट अब, ठीक है। और नकल प्रकरण भी यहाँ पर काफ़ी दिखाई दे रहे हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए और ऐसे लेटेस्ट अपडेट रेगुलर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाइए। मिलते हैं नए नोटिफिकेशन के साथ एक नए वीडियो में।